चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 7 kg इज प्लेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, द थ्रेड टाइज टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड कैरीज अ बॉडी बी। ठीक है, मास 3 kg, ठीक है, बी के का 3 kg मास है और ए का 7 kg, इसका 7 kg है। तो एट द अदर एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो सबसे पहली बात करो ये एम बी है 3 kg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगेगा वो एम बी इंटू जी लगेगा, और इस पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाकी जो थ्रेड का जो टेंशन है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर पूरे सिस्टम को एक मान लिया, जैसे जैसे इसको ए कहा इसको बी कहा, तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एम बी इंटू जी राइट साइड में। तो अगर पूरे सिस्टम को, यानी ये 7 kg है, ये 3 kg है, यानी 7 + 3 10 हो गया, 10 kg पे अगर m की वैल्यू है 10, तो 3, m की वैल्यू 3 है, 3 इंटू जी की वैल्यू 10, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड में। अगर 30 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम टी इंटू ए, नेट फोर्स एक ही फोर्स है 30 न्यूटन का, तो 30 इज इक्वल टू टोटल मास कितना हुआ 10 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना होगा 3 m/s² एक्सेलरेशन होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।